हेलो बेटा, ये लेक्चर नंबर जो 7 था उसका कंटिन्यूएशन है। किसी वजह से लेक्चर बीच में स्टॉप हो गया था, तो हम बात कर रहे थे कि फंगस के बारे में और कुछ जो पॉइंट है फंगस के बारे में उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि ज्यादातर एनसीईआरटी में लिखा है कि ज्यादातर फंगस जो होते हैं वो हेटरोट्रोपिक होती हैं, और हेटरोट्रोपिक में कौन सी कैटेगरी? सेप्रोट्रोफ। क्योंकि ये क्या करती है, जो फंगस होता है अपने बाहर एंजाइम सीक्रेट करता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है ये एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करता है, सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है, और ये सिंपल फूड को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद फिर ये उसका ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। और उस ब्रेक डाउन से क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये कैसे हैं, ये सेप्रोफिटिक हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे सोल्यूबल का मतलब सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, उसको एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। डेड सबस्ट्रेट का मतलब है डेड प्लांट, डेड एनिमल्स, ठीक है। बहुत सारे पैरासाइट भी होते हैं और बहुत सारे सिम्बायोट भी होते हैं। सिम्बायोट ऐसा एसोसिएशन होता है बेटा, ये लेक्चर नंबर जो 7 है उसका कंटिन्यूशन है, उसी के अंदर ऐड करके आप इसको पढ़ना, ठीक है। बीच में वो लेक्चर स्टॉप हो गया था किसी रीजन की वजह से। तो अगर फंगस का एल्गी के साथ एसोसिएशन हो तो उसको लाइकन बोलते हैं, अगर फंगस का हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन हो तो उसको माइकोराइजा बोलते हैं। इनके बारे में डिटेल से हम आगे बात करेंगे, इनके लिए अलग से हमने लेक्चर बनाया है, ठीक है। अब बेटा डीपी क्यू आ जाता है, विच इज एग्जाम्पल ऑफ सिलिएटेड प्रोटोजोआ। स्लाइड को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सोल्व करके देखिए कितने सोल्व होते हैं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूक्लियस इन पैरामीशियम। विच डिजीज हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, देखो कितने सोल्व होते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। विच किंगडम हैज मोस्ट डाइवर्सिटी इन हैबिटेट एंड मोर्फोलॉजी। ये मोन की जगह है, नाना आएगा। व्हाई फूड आर प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोजिंग फंजाई आर। फंगल सेल आर कंपोज्ड ऑफ। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, ठीक है। ये जो नीचे लिखा है, ये नीचे क्या लिखा है? ये फॉस्फोलिपिड लिखा है। ये बेटा आपका असेसमेंट है, तो असेसमेंट कीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।